एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा सा टोनर शेयर करने वाली हूँ, DIY टोनर, यानी कि होममेड टोनर। आप कैसे बना सकते हो घर पे बहुत सिंपल वे में। और आज का जो टोनर है ना तो वो कुकुम्बर का है ना रोज वाटर है। आज का जो टोनर है आपको मेरा हाथ देख के पता चल रहा होगा। तो आज का जो टोनर है वो मैंने बनाया है हल्दी से और स्किन टाइप है। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ, जिसकी बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं ना, पिंपल प्रोन स्किन होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, दाग धब्बों की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आज मैंने ये DIY टोनर बनाया है। तो ये DIY टोनर जो है वो हल्दी से बना हुआ है। और आपको पता है हल्दी बहुत अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए। हमारे स्किन को, चाहे स्किन वाइटनिंग की बात हो या फिर लाइटनिंग ब्राइटनिंग की बात हो, तो हल्दी हमेशा बहुत अच्छा काम करती है हमारे स्किन में। कोई भी फेस पैक अगर आप यूज़ करते हो तो हल्दी का यूज़ करने से हमारी स्किन बहुत निखर जाती है और डलनेस को कम करती है। साथ ही साथ हमारी स्किन में जितनी भी प्योरिटीज़ होती है उसे निकालने में अच्छी होती है। तो इस टोनर को मैंने कैसे बनाया है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा टोनर है, लॉन्ग टाइम चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, इसको बनाने के लिए आपको लेनी है कच्ची हल्दी। और आपको पता है कि कच्ची हल्दी मार्केट में कहीं भी मिल जाती है इजीली। सो एक कच्ची हल्दी मैंने इसको काट के धो के अच्छे से रखा हुआ है कटोरी में। और आप देख सकते हो कि मैं आपको पहले वाला कच्ची हल्दी दिखा रही हूँ। सो हमें लेना है ये वाला, ये वाली कच्ची हल्दी काफ़ी अच्छी होती है, हमें पाउडर नहीं लेना है। सो ये वाली कच्ची हल्दी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, उसके ऊपर से उसका छिक्कल निकालने के बाद इस तरह से इसे मैंने ले लिया है। और हमें इसे कद्दूकस करना है, तभी हम इसका टोनर बना पाएंगे। सो आपको पता है इसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे स्किन के लिए। एंटीसेप्टिक होता है हल्दी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो सभी तरीके की बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए अच्छी होती है, आपके स्किन में इन्फेक्शन वगैरह को होने से रोकती है। तो हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। जितना आपको टोनर बनाना हो, हल्का सा अगर आप हल्दी लेते हो तो टोनर हल्के से हल्दी से भी बन जाता है। तो मैं आपको इसका सीरम बनाना भी बताऊंगी कि इसका सीरम कैसे बनाते हैं। काफ़ी जैसे आपकी स्किन में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सही होती है, ब्रेकआउट्स को रोकता है। सो कद्दूकस मैंने कर लिया है, जितना भी आपको बनाना हो आप उतना कद्दूकस कर सकते हैं। मैंने छोटी सी हल्दी ली थी और इसे इतना कद्दूकस कर लिया है तो काफ़ी है। इसका जो सीरम है वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए आप टोनर देख लीजिए। टोनर भी हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए, स्कैल्स को हटाने के लिए, पिगमेंटेशंस को हटाने के लिए, झुर्रियों को हटाने के लिए, काफ़ी चीज़ों को रिमूव करने के लिए हल्दी अच्छी होती है। स्किन ब्राइटनिंग, स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है हल्दी, बहुत टाइम से यूज़ होता है। सो अब करना क्या है, आपको एक बाउल लेना है, जो भी आप फैन लेते हो उसमें लेने के बाद आपको हल्का सा पानी लेना है, जितना आप टोनर बनाना चाहते हो अपने मतलब आपको जितना टोनर रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद जो हल्दी ली है, हल्दी से मैं पूरी हल्दी यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ी सी हल्दी लूँगी, बाकी का मैं स्क्रब की तरह यूज़ कर लूँगी। और हल्की हल्दी डालने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट तक इतना ही पकाऊंगी, इससे ज़्यादा मुझे इसे नहीं पकाना है। सो आप देख सकते हो कि अच्छे से मतलब एक अच्छी सी उबाल आ गई है। एक उबाल के बाद आपको गैस बंद कर देना है। सो मैं इसे बंद कर दूंगी गैस को और उसके बाद इस टोनर को ठंडा होने के लिए आपको रख देना है। सो इससे आपकी स्किन में जितने भी दाग धब्बे होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे। सो इसे ठंडा होने के लिए वेट कर लीजिए। उसके बाद जब ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसे एक कांच के ग्लास में ले लिया है। सो आप किसी भी बाउल्स में ले लीजिए या किसी में भी आप ले सकते हो। सो उसके बाद मैं इसमें हल्का सा 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डालूंगी पतंजलि का। तो इतना सा ही डालना है, सिर्फ फ्रेग्रेंस के लिए डाल रही हूँ मैं। और इससे टोनर से आपकी pH लेवल भी बहुत कंट्रोल रहता है और जो ऑयल आपके एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है फेस पे उसे भी रिड्यूस करता है और आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम को रोकता है। अब मैंने इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डालूंगी। सो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल आपको पता है कि हमारे स्किन वाइटनिंग के लिए होता है और नेचुरल ब्लीच होता है और इससे हमारी कई तरह की प्रॉब्लम्स दूर होती है और सन टैन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो काफ़ी अच्छा टोनर बन गया आएगा ये 3 चीज़ों को मिला के। सो हमारा टोनर रेडी है। इसको अच्छे से शेक कर लीजिए, एलोवेरा जेल इसमें ऐड है तो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा और आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। 7 डेज़ का ये बन चुका है और रेडी है मेरा टोनर।
गाइज आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत इजी वे में आप इसे बना सकते हो। सो मैं तो इसमें एक भी पैसे आपका नहीं लगेगा, बिना खर्च करे आप अपने घर पे टोनर बना सकते हो। और इस टोनर के फ़ायदे आपको पता ही है कि इससे आपकी स्किन वाइटनिंग होगी, स्कैर्स हटेंगे, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी, दाग धब्बे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसको अगर आप यूज़ कर लोगे तो आपका जो चेहरा होता है वो काफ़ी गोरा हो जाएगा, ग्लो करेगा। सो इसे मैं अप्लाई करके बताती हूँ। इसे अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करने लगती है और बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है आपकी स्किन में, ठीक है। सो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने इसे अप्लाई कर दिया है और हल्का हल्का जो येलोपन मेरे फेस पे आ रहा है, इसे आपको हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है जब तक ये एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरीके से। गाइस अप्लाई मैं इसे कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो कि अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है और मेरे फेस पे काफी ग्लो सा लग रहा है, काफी चमक सी आ रही है। सो गाइस ये जो रेमेडी है काफी इजी है और इससे आपके दाग धब्बे डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे और आपके पीएच लेवल कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छा टोनर है। हल्दी टोनर आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। सो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताना ज़रूर, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।